तो भाई लोग, कैसे हो? आपका भाई अमकिजीत फिर से हाजिर एक नया वीडियो के साथ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि मैं गैस ग्रेनेड कैसे भाई अनलॉक करूं, तो जिन लोगों ने गैस ग्रेनेड को अनलॉक कर लिया है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वही इस वीडियो को देखे। सबसे पहले जो टास्क मिलता है वही ज़्यादा हम लोगों को भाई हम कन्फ्यूज़ है उसको लेके, ठीक है? तो मुझे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता इसके बारे में, पर मैंने अनलॉक किया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो हम जाते हैं इसमें, तो ये बोल रहा है टैक्टिकल नाम का चीज़ को हमें 8 बार यूज़ करना है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें, हर एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया, तो अच्छे से देखिए कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये एक चीज़ होता है जो कि फेंकने वाला होता है, हम फेंकेंगे और बंदूक को चोट ना लगे बस, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आता हूँ अपने लॉबी में। ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा है? जैसे कि ये कंकशन हो गया, ठीक है, इस कैटेगरी का, जैसे कि कंकशन हो गया या स्मोक हो गया, फ्लैश ग्रेनेड हो गया, फिर आपका EMP या ट्रॉफी सिस्टम, मतलब कुछ भी, इससे बंदों को चोट नहीं लगती है, मतलब बंदे मरते नहीं हैं। तो इस कैटेगरी का हमें 8 बार चीज़ें फेंकनी है जिससे वो पहला वाला जो हमें टास्क दिया गया था वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मेरा हो गया है, ठीक है? चलो ये तो पहला हो गया, अब चलते हैं हम दूसरे में। अभी ये दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे में बोल रहा है, पहला तो हमने कर लिया, हमें 8 बार फेंकना है, ठीक है, उस चीज़ को, कनकेशन फेंको या स्मोक फेंको, जो भी फेंकना है फेंको, ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। अभी ये दूसरे में बोल रहा है कि हमें क्राई बॉम्ब फेंकना है 5 बार। अभी ये क्राई बॉम्ब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि क्राई बॉम्ब क्या होता है। ये होता है, इसी कैटेगरी में मिल जाएगा, ये साइड में, ये है क्राई बॉम्ब, इसको हमें 5 बार फेंकना है, फिर जाके हमारा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं अब टास्क 3 पे, तो ये कौन सा है? हाँ, ये तीसरा वाला क्या बोला? 30 किल करना है हमको टैक्टिशियन पर्क लगा के। अब ये क्या होता है, चलो मैं आप लोगों को ये भी अच्छे से समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरा गेम प्ले वीडियो देख के बोलते हैं कि भाई आप डबल ग्रेनेड कैसे फेंकते हो, तो उसका राज ये है, ब्लू पर्क में जाना है, ब्लू पर्क में जाके आपको ये वाला पर्क लगा लेना है, ठीक है? इससे आप डबल ग्रेनेड फेंक सकते हो। और हमें अभी जो पर्क यूज़ करना है वो पर्क है ये टैक्टिशियन, जो भी इसका नाम हो, मैं सही से नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा, इसको यूज़ करने से जो ये कंकशन हो गया या आपका स्मोक बम, जो भी चीज़ हो, ट्रॉफी व्रॉफी, ये हम डबल फेंक सकते हैं, ठीक है? तो ब्लू वाले से क्या होगा, डबल ग्रेनेड, और रेड वाले से क्या होने वाला है, रेड वाले से आप अपना सेकेंड में जो भी हो, ये स्मोक वगैरह, वो डबल फेंक सकते हो। आ गया, तो हमें रेड में वाला पर्क लगाना है और 30 किल करना है उसको लगा के, बस, तो वो भी अनलॉक हो जाएगा। अब ये चौथे वाले में क्या बोल रहा है, तीसरा वाला हो गया, हमें 30 किल करना है। अभी ये चौथा वाला जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया, चौथा वाले को करने से मेरा अनलॉक हो जाएगा। तो चौथा वाला बोला ब्रेक एनिमीज़ स्कोर स्टिक, तो मतलब उनका जो भी स्कोर स्टिक होता है ना उसको ब्रेक करना है हमको, और कैसे करना है वो है EMP। ये EMP देख, जैसे कि आज मैंने इसको अनलॉक किया था, लकी ड्रॉ से ही लिया था, तो EMP हमको फेंकना है। अब उसके लिए आप ये पर्क भी लगा लेना टैक्टिशियन वाला ना, तो उससे आप डबल कंकशन फेंक सकते, सॉरी EMP फेंक सकते हो, जिससे बंदूक का वो जो भी स्कोर स्टिक होगा वो फूट जाएगा। कौन सा वाला? जैसे कि गुलेक्ट हो गया या सेंट्री गन हो गया, मतलब इस कैटेगरी का कोई भी कुछ लगाता है ना, तो वहाँ पे आप अपना EMP फेंको और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 3 बार आपको फोड़ना है, ठीक है, और उनका वो फूट जाएगा, जिससे आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको स्मोक ग्रेनेड मिल जाएगा। और सबसे हल्का गेम मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छा पहले पाँचवा बता दूँ। पाँचवे में क्या है, पाँचवे में ये यही बताएगा कि गैस ग्रेनेड को आप फेंको, यूज़ करो, कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, आप देख रहे हो इधर का प्रेसिडेंट। तो गैस ग्रेनेड को हमको यूज़ करना पाँचवे वाले में यही बताता है। और EMP से डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं सबसे हल्का मैच आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को मैच खेलना है तो सबसे पहले आप जाओ हार्ड पॉइंट सेलेक्ट करो, हार्ड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे छोटा मैप है हमारा शिपमेंट, वो खेलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई आज के लिए इतना, थैंक यू भाई, लव यू ऑल, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।